तो स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं ओका सिंह और भाई आज हम लोग जाने वाले वर्ल्ड में, और ये जो बैटल है ना मैं आपको दिखाना बनता है क्योंकि यहाँ पे कुछ हुआ है जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम बैटल करने उतरे, मेरे को बंदा मिला, और वैसे हम लोग नॉर्मली बैटल नहीं करते पर मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि जैगर R3 हुआ है। हालांकि 38 आई वैल्यू नहीं पहुँचा था, मेरे को पता है बंदा कौन है, पर यह है ना कि मैं देखना चाहता था कि R3 अवेकन पे ही कितना अटैक होता है, मेरे को ये देखना था। तो मैंने जल्दी से वोटर्स भेजा। एक्चुअली मैंने सोचा था पोकेमॉन चेंज होगा, अगर जी मूव भी आता है तो वेस्ट हो जाएगा, पर तगड़ा डैमेज दिया गया है। जैगार्ड स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फोर्ट्रेस तो सस्ते में निपट गया, पर कोई ना, काम करके गया है फोर्ट्रेस। अब एक जी मूव वेस्ट हो चुका है तो मैं स्टीलिंग्स भेज सकता हूँ, क्योंकि उसके अलावा सलगैलियो भी जा सकता है, वो भी सही रहेगा, पर क्योंकि सलगैलियो से थोड़ा टाइम भी वेस्ट होगा, ऊपर से बल्कअप वगैरह वो करो वगैरह बहुत डबल काउंट हो गया, काम आ जाएगा बाद में सीधे, तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा। ड्रैगन टेल मैंने लगा दिया और ये लगाना ज़रूरी था क्योंकि अटैक बूस्ट हो चुका था और मैं नहीं चाहता वो ज़्यादा लंबे तक टिके। तो मैं जल्दी से लेके आता हूँ डार्क राय, ऐसे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि डार्क राय लेके आना पड़ेगा मेरे को। अच्छा वो पोकेमॉन चेंज हो गया तो मैं जल्दी से टिके वो डाल सकता हूँ, पर ये तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। सामने है ग्राउडॉन, और ग्राउडॉन का जी मूव कौन लेगा? मेरी टीम में से कोई नहीं है जो फिलहाल जेल के जिंदा रह पाए। गेंगार साथ झेल ले, और बस एक बार नॉक ऑफ मार के जाना है मेरे को ग्राउडॉन को, क्योंकि एक बार वो नॉक ऑफ हो गया तो डार्क राय संभाल लेगा। और मेरा पहला ही टारगेट यही होता है कि अगर ग्राउडॉन किसी ओपोनेंट के पास है तो उसे नॉक ऑफ मार के जाऊँ। मार दिया मैंने, 15 अटैक बूस्ट कर लिया, अच्छा हुआ मैंने मरने दिया उसे, अगर मैं रेस्ट लगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती मेरी पूरी टीम के लिए। अब मैं डार्क लेके आया हूँ और सीधा जी मूव डार्क वर्ल्ड पर, मेरे को तनिक भरोसा नहीं है। और जैसे ही मैंने डार्क वर्ल्ड मारा, सामने है स्नोरलैक्स। ठीक है, मैंने जी मूव मारा, सामने है स्नोरलैक्स, और ये भाई साहब तो इम्यून है। पर मैं क्या करता हूँ ना, मैं पोकेमॉन चेंज कर देता हूँ, पर किसको भेजूँ? स्टीलिंग्स सही नहीं है, पर हमने नॉक ऑफ ही लगा दिया, देखा जाता है। मड स्लैप अच्छा हुआ कि और कुछ नहीं आया, मड स्लैप ही है सही। अब मैं स्टीलिंग्स लेके आता हूँ, बस फिशर ना आए, क्योंकि फिशर अगर लग गया वो मर गया तो प्रॉब्लम होगा। और मेरे टीम में फिलहाल के लिए सिर्फ एक ही पोकेमॉन है जो फिशर से इम्यून है, और वो है हमारा क्यूट सा छोटा सा स्टीलिंग्स। छोटा तो नहीं है भाई, गेम का सबसे बड़ा पोकेमॉन यही है, इससे ज़्यादा बड़ा कौन सा दिखता है? एग्जीक्यूटर, मेगा एग्जीक्यूटर R2, वो थोड़ा बड़ा दिखता है कि हाँ अभी से मानूंगा खंबे जैसा लंबा है वो भी, तो स्टीलिंग शायद फिलहाल के लिए मेरे को लग रहा है कि सबसे बड़ा है, और इससे ज़्यादा बड़ा कौन होगा? ये एक्चुअली में बहुत बड़ा है, देख रहे हो ना कितना बड़ा है, मतलब स्नोरलैक्स भी इसके सामने छोटा दिख रहा है बहुत। तो इंडीड स्टीलिंग्स मेरे को इसीलिए बहुत पसंद है, एक तो इतना बड़ा इतना खतरनाक पोकेमॉन, ऊपर से ड्रैगन टेल लगा सकता है, इसे ट्रैप नहीं किया जा सकता, काइंड ऑफ इम्यून है, मतलब सोच लो किसी इतना ज़्यादा ट्रैप नहीं किया जा सकता, ऊपर से गॉड लेवल डिफेंस, और क्या चाहिए आपको? जल्दी से डाकरा भेजता हूँ क्योंकि स्टीलिंग्स के ट्रांड का डबल जी मूव है तो उसको कहीं ना कहीं वेस्ट तो करना पड़ेगा, जैसे जैसे निपटाना ही पड़ेगा। तो मैंने भेजा डार्क रैप, और यहाँ पर रिक्स ले लेते हैं, स्टिक वेव डालने का क्या पता कि फिर से मर्सलैप आए, तो रिक्स लेते हुए मैं यहाँ पर मर्सलैप स्टिक वेव डाल देता हूँ। हालांकि स्टिक वेव डालने के बाद स्पीड का एडवांटेज मिलेगा, और इसके केस में स्पीड का ज़्यादा जरूरत है नहीं क्योंकि मतलब HP यूज़र है, पर फिर भी जो भी मिलता है ले लेना चाहिए। वैसे भी अगर मेरा स्टीलिंग तेज़ हो जाएगा तो मेरे लिए फ़ायदा होगा, और मैंने फिर से भेजा स्टीलिंग, बस ये फिशर मिस हो गया, बहुत अच्छी बात है। दो फिशर गए, तीन ही फिशर बाकी हैं, तो जितना जल्दी फिशर ख़त्म हो जाए उतने लिए मेरे लिए ज़्यादा अच्छी होगी। और मैंने भी फिशर लगाया, पर मेरा फिशर कभी कभार हिट होता है। हाँ, पहला फीचर अगर स्टीलिंग से हिट हो गया तो मान लो कि बहुत सारे फीचर हिट होते हैं, तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा कुछ किया नहीं है, मैं खड़ा अपने स्टीलिंग्स को स्लीप टॉक के साथ, मैंने लगा ही था कि ऑब्वियसली फीचर वेस्ट करने की कोशिश होगी। जल्दी से डाकरा भेजता हूँ क्योंकि टरांट और वो कैसे नॉक ऑफ मारना है मेरे को, गेंगार तो रहा नहीं, नहीं तो वो होता तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, पर मैं सीधा नॉक ऑफ लगा रहा हूँ क्योंकि नॉक ऑफ के बाद मैं डाकवर्ड मार के से सुला सकता हूँ, ज़रूरत पड़ी तो मार भी सकते हैं। जी मूव पड़ा, तगड़ा डैमेज, रैपिड स्ट्रगलर पड़ेगा मेरे को अंदाज़ा है, पर हम तेज़ हैं तो आराम से सुला सकते हैं, बस हिट हो जाए और हो गया। ठीक है, अब काफ़ी है, मैं चाहूँ तो पोकेमॉन चेंज कर सकता हूँ, पर टरानाटोर को ज़्यादा ज़िंदा रहना देना नहीं चाहिए, तो मैं इसे नॉकअप मार मार के ख़त्म करना चाहूँगा, नहीं वैसे टाइम लग जाएगा काफ़ी, पर फिर भी ख़त्म कर देना चाहूँगा मैं इसे। हालांकि मैं यहाँ पर बहुत बड़ा एक रिक्स ले रहा हूँ क्योंकि क्या पता कब टरानाटोर उड़ जाए, रैपिड स्ट्रगलर से काम ख़त्म कर दे, पर जाने देते हैं। वैसे डार्क लेके थोड़ी ना हमें ज़्यादा लंबा टिकना है इसे, वैसे भी स्नोरलैक्स है तो वो आके जल्दी से ख़त्म करेगा, तो जब तक बैटरीम्स रन कर रहा है नॉकअप लगा सकता हूँ, मैं लगा के जल्दी जल्दी ख़त्म करता हूँ। और ये मेरे को लगा था एक और टर्न सोएगा, पर कोई ना, यहाँ पर उड़ चुका है बंदा, तो मेरे को पोकेमॉन चेंज कर देना चाहिए, लेकिन जाने देते हैं, मतलब अब कितना लेके जाऊँगा इससे, पर फिर भी मैं स्टीलिंग्स भेज रहा हूँ, बचा के रखते हैं आगे सलगैलियो। ठीक है, और किस पोकेमॉन को नॉकआउट मारने में काम आएगा? जैगार्ड पे नॉकआउट मार के कोई फ़ायदा तो नहीं है, पर फिर भी किसी ना किसी को तो नॉकआउट मार ही देंगे। ठीक है, अभी भी ग्राउडॉन जिंदा है तो उसे भी ख़त्म करना पड़ेगा, तो ये जा गया डबल जी मूव इसका। स्टीलिंग्स बचाना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि भाई बहुत डिफेंस है उसका और इसे रोकना बहुत मुश्किल होगा, तो मैं चाहता हूँ वो ख़त्म कर दे। तो एक आयरन हेड ताकि टरांटोर ख़त्म हो जाए,
खत्म है। नॉकआउट मैंने लगा दिया था, तो होल्ड आइटम अगर आपका वो जो भी होगा तो वो वहाँ पर वेस्ट हो गया, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉकआउट लगाना मेजर रोल प्ले करता है, नॉकआउट होल्ड आइटम्स खराब करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं जी मूव लगाता हूँ सीधा किसी भी पड़े, क्योंकि अगर किसी पर वेस्ट भी होता है जैसे स्नोलेक्स पर उससे नॉकआउट पड़ चुका था तो वो एचपी रिकवर कर नहीं सकता। और आज पता नहीं कैसे मेरे को अपनी किस्मत पर थोड़ा भरोसा हुआ तो मैंने स्वॉर्ड डांस लगा लिया, नहीं तो नॉर्मली मैं चेंज कर देता हूँ। और यहाँ पर स्वॉर्ड डांस करना चाहिए मेरे को, क्योंकि बंदा प्रोटेक्ट यूज़ कर रहा है तो शायद इस बार काउंटर यूज़ करे या फिर एक और बार प्रोटेक्ट, तो स्वॉर्ड डांस और प्रोटेक्ट यहाँ पर यूज़ किया गया, नहीं ठीक है काउंटर यूज़ किया गया है। तब प्लेयर लगा के ख़त्म कर सकता हूँ, अटैक प्लस फोर पे काफ़ी होगा, मतलब ख़त्म करना ईजी होगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो मैं जल्दी से आराम से प्लेयर लगा देता हूँ, बस हिट हो किसी को हो। आयरन हेड भी लगा सकता था पर प्लेयर लगाया मैंने क्यों सोचते हुए कि स्नोलेक्स मर जाए, पर ही मिस हो गया। और मिस भी किसके अगेंस्ट हुआ है, ग्राउडॉन के अगेंस्ट। भाई वो चलता फिरता ग्राउडॉन है, ग्राउडॉन लावा, अच्छा फ्लिंच हो गया, अच्छी बात है। एक और आयरन हेड, बस एक और बार फ्लिंच हो जाए, खत्म हो जाए, फ्लिंच का सारी खत्म कर देंगे, मज़ा आएगा। पर नहीं, ये पड़ा लैंड ऑफ ऑरिजिन और अधमरा तो नहीं हुआ, पर हाँ डैमेज तगड़ा पड़ा है। अब इतना डैमेज देना चलता है क्योंकि मैं नीट कैरेक्टर यूज़ कर रहा हूँ तो उससे डिफेंस तो मिलेगा ही, ऊपर से सारे डिफेंस जीरिम से है तो उससे भी ज़्यादा डिफेंस मिलेगा। एनाबेल सामने मोबाइल है तो मैं स्नो सलगैले लेके आ सकता हूँ, पर लगा देते क्या पता फ्लिंच हो जाए। नहीं, लालच बुरी बला है, काफ़ी बुरी बला है यार, मेरे लिए तो बहुत बुरी बला है ये। पर भेजते अपने सलगैले को, ये भी ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो एक दो हद के ख़त्म हो जाएगा मोबाइल, तो सलगैलियो है जब तक मेरे पास डरने की बात नहीं है, और जब तक मेरे पास स्टीलिंग्स है तब भी डरने की बात नहीं है। ग्राउडन तो ख़त्म हो चुका है, जैगयार्ड के जीमू बचे नहीं, एक ही बचा है शायद, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मेरे लिए तो चीज़ें सही नहीं लग रही, पर हाँ सही हो जाए शायद। अब मैंने बल्कअप कर लिया, सामने स्वॉम्पवर्ड, ये गंदी बात है क्योंकि स्वॉम्पवर्ड सलगैलियो को आराम से रोक भी सकता है, पील भी सकता है, क्योंकि मैं इसको कितना भी हिट करूँ ना ये आराम से काउंटर मार के ख़त्म कर सकता है। और सलगैले के पास ऐसा कोई मूव तो है नहीं कि एक ही हिट में क्यों कर दे। अब मैं फिशर लगाता हूँ, अब ऐसे ही लगा रहा था, मन किया तो मैं लगा दिया, ये लगा मैंने लगाया फिशर, और ये पड़ा जीमो, भाई क्रिटिकल हिट, 22,000 वाला डिफेंस वाला पोकेमॉन क्रिटिकल हिट खा गया, ये बिलीव नहीं हो रहा था मेरे को, ये कैसे हो गया भाई, ये नहीं होना चाहिए था क्रिटिकल हिट, वो भी मेरे स्टीलिंग्स को, इतना ज़्यादा एचपी एक ही बार में ख़त्म, एचपी बोला था डिफेंस एक ही बार में ख़त्म, ऐसा होता नहीं है। मैंने कई जीमो वाटर टाइप जीमो फिजिकल अटैक टाइप लिए हुए हैं, स्वॉम्पवर्ड के कई बार लिए हुए हैं, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट था, पर वो क्रिटिकल हिट वो थोड़ा अजीब ही था, मतलब स्पीड था मेरे पास, मैं आराम से रेस्ट लगा सकता था, पर वो खा गया एक ही बार में खा गया, अजीब सा फील हुआ मेरे को, जैसे आधा लगा कि आधा एचपी गया फिर और आधा और कुछ खींच ले गया, जैसे ऐसा फील हो रहा था मेरे को, पर ये गंदा हो गया। मेरे को लगा था कि मैं सलगैली से थोड़ा आगे खेलूँगा आराम से, और आराम से वक्त लेके स्टीलिंग से के साथ बाकी सारे पोकेमॉन्स को फिशर के जाने मारूंगा, पर मैंने बचा के रखा था, एंड हो गया यार। मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मतलब मैक्सिमम टाइम मेरे को क्रिटिकल हिट क्यों लेना होता है यार, मैं भी कभी क्रिटिकल हिट देना चाहता हूँ, मेरे साथ कभी नहीं होता, बहुत रेयर केस है जब मैंने किसी को क्रिटिकल हिट दिया हो, मैक्सिमम टाइम मैं ही क्रिटिकल हिट लेता रहता हूँ, ये तो भाई बहुत गंदी बात है। क्रिटिकल हिट पढ़ना और वो भी ऐसे टाइम पर पूरा का पूरा स्टीलिंग्स ख़त्म, ये अभी तक मेरे दिमाग में वही चला था, मेरे दिमाग में यही चला था कि हुआ क्या यार वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि स्वॉम्पवर्ड बहुत ज़्यादा अटैक होल्ड करता है, और इन्फेस्टेशन के साथ मैं मानूंगा हाँ थोड़ा एक्स्ट्रा डैमेज पड़ता है, पर इतना नहीं पड़ेगा कि 22,000 डिफेंस वाले पोकेमॉन को ऐसे खा जाओ जैसे वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो काफ़ी तगड़ा जी मूव था, ठीक है, वो क्रिटिकल हिट इसको एक्स्ट्रा बूस्ट दिया। आप देख, अगर आप वीडियो देखो ना उस जगह पे ध्यान से देखो तो आपको दिख जाएगा कि आधा एचपी जा रहा था उसका आधा कुछ खींच ले गया, वो क्रिटिकल हिट था शायद। एक जी मूव और जैगयार्ड ख़त्म, दो पोकेमॉन बचे हैं जिसमें से एक स्वॉम्पवर्ड है एक मोबाइल है, मोबाइल तो चलते में ख़त्म हो जाएगा, पर ये है वो प्रॉब्लम, पर इसे भी ख़त्म करना पड़ेगा एक बार, अगर सही टाइम पे मेरे को कुछ मौका मिल जाए ख़त्म कर दूंगा। पर क्योंकि हमने अर्थ पे वेस्ट कर दिया, जैगयार्ड पे एक बार लगाना पड़ा जिससे वो डबल काउंट हो गया, तो वो थोड़ा अभी भी मेरे को चुभ रहा है। ऊपर से मैं जितना भी फ्लेम चार्ज लगा के एचपी कम करने की कोशिश करूँ लैपटॉप पर उतना कवर अप कर ले रहा है, ऊपर से काउंटर आ रहा है मेरे को वो पड़ रहा है। हालांकि मेरे पास भी लेफ्टओवर्स है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वो लेफ्टओवर्स का जो एक्स्ट्रा इफेक्ट का जो एचपी वापस मिल रहा था मेरे को वो चला जा रहा है, ऊपर से थोड़ा और मेरे को डैमेज भी मिल रहा है लेफ्टओवर्स इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो इस चीज़ के बदौलत मैं पूरी तरह फंसा हूँ यहाँ पर, नहीं हार नहीं मानना है हमें, ख़त्म करके रहना है। और मेरे को बस एक मौका चाहिए कब सही टाइम पे मेरे को मिल जाए ऐसे कुछ, जैसे मैं औरत को लगाऊँ एक दो औरत को लगा दूँ बंदा टिके, कोशिश करे रुकने की, और उसके बाद ख़त्म करते हम लोग। और वैसे मौका चलता रहा हमने बहुत कोशिशें की,
अटैक करने की बंदा भी काउंटर पे काउंटर, और मैं भी होता तो ऑब्वियसली यही करता हूँ। मैं मैक्सिमम टाइम यही कहता हूँ कि अगर आपको सलगैले को रोकना है, ऐसे सलगैले को जो मेरे जैसा मूव सेट हो, तो उसके लिए आपको चाहिए तगड़ा पोकेमॉन जो आराम से रोक सके, वो है स्वैम्पर्ड। किसी को भी रोक सकता है अगर वो अच्छे से बना हो तो। तो और ऐसे चलता रहा, एंड में तुम्हारे भाई का मूव खत्म हो गया, मतलब सारे के सारे मूव्स खत्म हो गए, और सिर्फ मेरा नहीं सामने वाले का भी खत्म हो गया, इन्फेस्टेशन ही बचे था और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट। तो भाई सिर्फ रेस्ट इस्तेमाल करते और मेरे सारे मूव्स खत्म। अब तो मैं स्ट्रगल करके मरता, और अर्थ को मैं लगाया, एक और अर्थ को मारता हूँ और स्लीप पे था भाई, तो ख़त्म हो जाए। नहीं ये क्रिटिकल हिट पड़ा, मेरा भी क्रिटिकल हिट पड़ा, मेरा क्यों नहीं मारा यार। चलो मार के भी क्या उखाड़ लेता हमें, मैच तो इधर ही ख़त्म है। तो भाई सबको वीडियो अच्छी लगी, क्रिटिकल हिट मेरा भी पड़ा, हाँ पड़ा लेकिन फाइनली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।